वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक बार फिर किसानों से बातचीत के जरिए समाधान की अपील की है। सरकार ने कहा कि आम लोगों को आंदोलन से परेशानी ना हो। कृषि मंत्री ने जोर देकर कहा कि बातचीत के जरिए समस्या का समाधान हो, और यही बात बार बार सरकार की तरफ से कही जा रही है कि आम लोगों को परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखिए, जो बातचीत का रास्ता है उसे यहां अपनाया जाए, संवाद हो, चर्चा हो और इसके जरिए हल निकालने की कोशिश हो, और इसके लिए सरकार तैयार है। एक बार फिर से किसानों से अपील की गई है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि लोगों की कठिनाई से समस्या होगी, इसलिए जरूरी है कि सरकार के साथ बातचीत की जाए और बातचीत के जरिए ही रास्ता निकाला जाए। जो भी अपने आप को सांगठनिक इकाई के रूप में मानते हैं कि हम किसी संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, तो इस बात की चिंता करना जरूरी है। मैं निवेदन करूंगा सारे किसान संगठनों से, जो भी इस समय इस तरह की बातों को लेकर, जिससे कि समस्या का समाधान के रास्ते मजबूत हो सकता है, उसके अनुसार पहल करें, बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढें और उसमें सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, प्रतिबद्ध है, और इस बात का ध्यान रखें कि आम आदमी को कठिनाई ना हो। आम आदमी की कठिनाई से किसी को लाभ मिलेगा ऐसा नहीं हो सकता है। हमने कहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के काम हैं उसको हम त्वरित गति से निष्पादित करते हुए लोगों को हम ये भरोसा देना चाहते हैं कि उसमें कहीं सरकार पीछे नहीं है, त्वरित निष्पादन करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन जो कानून बनाने की बात होगी उसमें सभी ऐसे विषयों पर ध्यान रखना जरूरी होता है जिससे कि कठिनाई ना हो और जो भी कुछ हम करना चाहते हैं वो अच्छे ढंग से हो, अच्छे के लिए हो। तो इस बात पर हमें और चर्चा इसलिए करने की आवश्यकता जरूरी है क्योंकि इसके पहले भी इस तरह की जब बातें आई तो उसमें किसान संगठनों के प्रतिनिधि के माध्यम से चर्चा करने की बात की गई, लेकिन उसमें किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने योगदान नहीं किया। अब वो बीत गई, समय बीत गया, अब कम से कम आने वाले दिनों के लिए हम किसान संगठनों के साथ मिल करके चर्चा करें और ये माहौल बनाएं कि इसका समाधान का रास्ता क्या क्या हो सकता है, कैसे हम इन सारे विषयों पर एक मत हो सकते हैं। तो ये हमारी कोशिश है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कृषि मंत्रालय में अधिकारियों की एक बड़ी बैठक चल रही है किसानों से बातचीत के लिए। कृषि मंत्रालय में ये इस वक्त बैठक जारी है, प्रदर्शन को लेकर अलग अलग पहलू पे बातचीत की जा रही है, चर्चा की जा रही है कि क्या विकल्प हो सकता है जिससे किसानों की नाराजगी दूर हो और वो सरकार से ना सिर्फ बातचीत के लिए तैयार हो बल्कि बातचीत के जरिए रास्ता ये निकले कि वो धरना वापस ले लें। दिल्ली कूच का जो उनकी प्लानिंग है उस प्लानिंग को कम से कम वो रोक दे। इस वक्त मेरे सहयोगी अमित पांडे जुड़ चुके हैं। अमित, ये जो अधिकारियों की बैठक हो रही है वो किस एंगल से हो रही है, क्योंकि सरकार के स्तर पे बातचीत हो चुकी है, केंद्रीय कृषि मंत्री तक मिल चुके हैं किसानों से। देखिए, अलग अलग पहलुओं को लेकर चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से, चाहे आर्थिक नीतियां हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय कानून है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, उनके जो अलग पहलू है वो किसानों को अच्छी तरीके से समझाया गया। और अभी सरकार को किसान के प्रतिनिधियों का इंतजार है कि वो आए, कम से कम वार्ता करें। तो ऐसी स्थिति में अधिकारियों के साथ बैठक ये की गई है। अब बैठक अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुई कि क्या विस्तृत रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से पूरे जस की आप बात कर रही थी, समाधान, पूरी तरीके से समाधान इस मामले में पहुंचा जा सके और एक शांतिपूर्ण तरीके से चीजें आगे बढ़ सके। ठीक है अमित, शुक्रिया आपका ये तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।
तो एक और ये बड़ी बैठक चल रही है और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त अलग अलग बॉर्डर्स पर मौजूद हैं, वहां से तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले आपको शंभू बॉर्डर लिए चलते हैं जहां पर मेरे सहयोगी मानव यादव इस वक्त मौजूद हैं। मानव, शंभू बॉर्डर पर ताजा हालात क्या है, तस्वीरों के जरिए बताइए, क्योंकि सबसे ज्यादा टकराव की स्थिति हम वहीं पर देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मेरे सहयोगी युगल आपको तस्वीरें दिखाएंगे, मेरे दर्शकों को तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो किसानों की संख्या है वो ज्यादा बढ़ गई है। देखिए दो बयान आ रहे हैं, एक सरकार की तरफ से आया है कि हम किसानों से दोबारा बातचीत करना चाहते हैं, तो किसानों की तरफ से भी ये लगातार तमाम जो प्रदर्शन करने वाले किसान उनको ये कहा जा रहा है कि आप जोश में होश रखिए, आपके कुछ साथी घायल हुए हैं उनको जाके पहले उपचार कराइए, और दिल्ली कूच का जो आह्वान है वो जारी रहेगा। देखिए उधर सरकार ये कह रही है कि प्रदर्शन खत्म हो जाए हम बातचीत करेंगे, लेकिन किसान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारा आह्वान जारी रहेगा, लेकिन सभी को होश से काम लेना है, सभी को जोश में एक तरीके से संयम बरतना होगा, और जिस तरीके से कल हमने देखा कि पत्थरबाजी हुई उस तरीके को लेकर ये कहा जा रहा है कि किसी को भी पत्थरबाजी नहीं करनी है। तो ये तमाम सारी बातें यहाँ से अनाउंसमेंट के जरिए अपने साथी किसानों को, किसान नेता यहाँ पर कह रहे हैं, प्रदर्शनकारियों को अपने नेता यहाँ पर कह रहे हैं, और उनका ये कहना है कि सभी को यहीं डटे रहना है, हमारा दिल्ली कूच का कार्यक्रम अभी जारी रहेगा लेकिन सभी को डटे रहना है, लेकिन अभी हमारी तरफ से कल जो सीज फायर का ऐलान किया गया था वो अभी बरकरार रहेगा, लेकिन आने वाले समय में हम इसी बॉर्डर पर, इसी शंभू बॉर्डर पर टिके रहेंगे। और देखिए सुबह तकरीबन जब 6 बजे के आसपास हम यहाँ पर पहुंचे थे तो किसानों की संख्या बहुत कम थी, क्योंकि किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में से आराम कर रहे थे, लेकिन अब दोपहर 1 बजे के आसपास मैं देख पा रहा हूँ कि पूरा शंभू बॉर्डर एक पूरी तरीके से पैक हो चुका है, कहीं पर भी पैर रखने की यहाँ पर जगह नहीं है, और जितने भी किसान संगठन है उनके नुमाइंदे यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो बारी बारी से एक मंच यहाँ पर टेम्परेरी रूप से लगाया गया है वहां से संबोधित किया जा रहा है सभी किसानों को यहाँ पर। मानव, ये ठीक वैसे ही हो रहा है जो 2020-21 के दौरान हमने देखा, यानी तकरीबन जो एक साल आंदोलन चला। मैं जावेद मंसूरी का रुख करूंगी, गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त मेरे साथ हैं। जावेद, सुबह से आपके जरिए हम दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वहां पे क्या स्थिति बनी हुई है, आम लोगों को क्या परेशानी है, और किसानों के मसले पर केंद्र सरकार क्या कदम उठा रही है। जावेद, मुझे आपसे ये समझना है, क्योंकि अभी केंद्र सरकार के कुछ अधिकारी बैठकर ये मंथन कर रहे हैं कि क्या विकल्प हो सकता है, क्या वाकई किसानों की जो MSP को लेकर मांग है, जो शर्त है, उस पर हम पूरा कर सकते हैं, और दूसरे देशों के भी ये तमाम स्थिति को भापा जा रहा है। देखिए सरकार लगातार ये कह रही है कि वो किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी चंडीगढ़ में जो बैठक हुई थी, आखिरी दौर की जो वार्ता हुई थी, जिसके बाद किसानों ने ऐलान किया कि वो दिल्ली आएंगे, वो बातचीत बेनतीजा रही। हमारी मौजूदगी गाजीपुर बॉर्डर पर है जहां लगातार जो सिक्योरिटी इंतज़ाम है वो बढ़ाए जा रहे हैं। देखिए क्रेन के ज़रिए आप देखेंगे यहाँ पर सीमेंट के ब्लॉक अब इस लेन में रखे जा रहे हैं। अभी ट्रैफिक जो है वो बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, आज दिक्कत इस मोर्चे पे कम से कम नहीं हो रही है, लेकिन अरेंजमेंट्स दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के यहाँ पर पूरे हैं, क्योंकि 3 मोर्चों में गाजीपुर मोर्चा भी शामिल है जहाँ से जो किसान एंटर कर सकते हैं, लिहाजा यहाँ पूरी तरह से जो व्यवस्थाएँ हैं वो दुरुस्त की गई हैं। लेकिन यहाँ राहत की तस्वीर इसलिए दिखाई दे रही है कि अगर मैं आपको सड़क दिखाना चाहूँ, जो NH 9 दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, उसकी एक्सप्रेसवे लेन दोनों तरफ आप देखेंगे तो ट्रैफिक बहुत स्मूथ चल रहा है, तो कोई दिक्कत आज नहीं है। वसंत पंचमी का भी दिन है और सुबह हमने देखा कि जो ट्रैफिक पुलिस के लोग थे जो पीक आवर्स में, वो खुद इस पॉइंट पर अरेंज कर रहे थे, जल्दी जल्दी वाहनों को निकलवा रहे थे, तो जैम की स्थिति नहीं बनी। रफ्तार ज़रूर थमी कुछ समय के लिए जब कामकाजी वक्त था, लेकिन अभी ये रोड बिल्कुल क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के जो इंतजाम है, जो अरेंजमेंट्स हैं, वो लगातार यहाँ पर बढ़ाए जा रहे हैं। जी ठीक है जावेद, आपके पास हम लौटेंगे। इस वक्त मेरे सहयोगी चमन पलानिया शंभू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका एक बार रुख करते हैं। चमन, आप क्या तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं शंभू बॉर्डर से? जी पूजा, देखिए जिस तरह से किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जो है जारी है, और इस वक्त मैं शंभू बॉर्डर पे मौजूद हूँ, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार जो है वो किसानों की जो ट्रॉलियाँ हैं वो यहाँ पर बढ़ रही है। और दूसरी तरफ मैं बताना चाहूँगा कि दूसरी तरफ भी अगर आप, मैं तस्वीरें दिखाऊँ कि जो किसान जो हैं वो खेतों में भी जो हैं वो यहाँ पर जो हैं वो पहुँच गए हैं, और खेतों में भी काफ़ी किसान जो है इकट्ठा हो गए हैं, और आप दूर तक तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो किसान जो है वो खेतों में पहुंच गए हैं, और खेतों से भी जो है वो किसान जो है धरना प्रदर्शन जो है वो जारी रखा हुआ है, और दूसरी तरफ जो